मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। बिहार के प्रमुख शहरों में रावण दहन कहां और कितने बजे होगा? पटना में निकलेगी शोभा यात्रा। आज यानी कि 24 अक्टूबर देश भर में रावण वध समारोह का आयोजन किया जाएगा। पटना में शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह नागा बाबा ठाकुर बाड़ी से चलते हुए नाला रोड, आर्य कुमार रोड, मछुआ टोली, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान पहुंचेगी। गया में हर हाल में 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच रावण दहन का निर्देश दिया गया है। पटना, गया, मुंगेर, बिहार में आज हर्षोल्लास के साथ दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में रावण वध समारोह का आयोजन होगा। यहां इस वर्ष रावण का पुतला 70, मेघनाथ का 65 एवं मुकुंभकर्ण का 60 फीट का तैयार किया गया है। राजधानी में रावण दहन मंगलवार शाम 5 बजे होगा। आइए जानते हैं प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में कहां और कितने बजे रावण दहन किया जाएगा। राज्यपाल करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। राजधानी पटना में समारोह का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इसको लेकर तैयारी पूरी हो गई है। गांधी मैदान में रावण वध समारोह शुरू होने से पूर्व नागा बाबा ठाकुरबाड़ी से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, निषादराज, विभीषण, सुग्रीव, जामवंत एवं अंगद आदि शामिल होंगे। शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे नागा बाबा ठाकुरबाड़ी से प्रारंभ कर दी जाएगी, जो शहर के नाला रोड, आर्य कुमार रोड, मछुआ टोली, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान में पहुंचेगी। गया में रावण दहन का समय वही। गया की बात करें तो यहां जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने गांधी मैदान में विजयदशमी के दिन आयोजित होने वाले रावण दहन की तैयारियों को लेकर रविवार को निरीक्षण किया। उन्होंने रावण दहन आयोजक तथा नगर निगम को सख्त निर्देश दिया कि रोशनी का पुख्ता इंतजाम रखें ताकि किसी भी व्यक्ति को रावण दहन के पश्चात घर वापसी में रोशनी की कोई समस्या ना हो। उन्होंने निर्देश दिया कि हर हाल में 4:30 से 5:30 बजे के बीच रावण दहन कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए 5:30 बजे तक हर एक व्यक्ति गांधी मैदान परिसर को खाली कर दे। उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग का पुख्ता इंतजाम रखें, सभी प्रवेश एवं निकास गेट पर सभी प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त रखें, गांधी मैदान परिसर तथा सभी गेटों के समीप PS सिस्टम सुचारू रखें। गया में स्थान गांधी मैदान में समय 5:30 बजे, बजीरगंज के तरवा में केदारनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में समय 6:00 बजे, बजीरगंज के कधरिया में 5:00 बजे, डोबी ठाकुर बाड़ी के प्रांगण में 6:00 बजे, शेरघाटी रंगलाल इंटर स्कूल खेल परिसर में 6:00 बजे, कोच के काबरगढ़ पर सर्वोदय विद्या मंदिर +2 विद्यालय गुरारू खेल मैदान में 5:00 बजे, नरसिंह स्थान खेल मैदान कोंची गांव में 5:00 बजे।